अब खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ओपी सिंह को लेकर। जी हां, ओपी सिंह जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है और इन दिनों वो हरियाणा में नियुक्त है। बता दें कि सुशांत के जीजा ओपी सिंह ही उस वक्त सुशांत के साथ मौजूद थे जब 14 जून 2020 को सुशांत के साथ हादसा हुआ था और सुशांत के इसी हादसे ने सबको हिला कर रख दिया था। जी हाँ, बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब हादसा हुआ था तब उस वक्त सुशांत के पास उनकी बहन मीतू सिंह और उनके जीजा ओपी सिंह मौजूद थे। जब सुशांत की बॉडी को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया तो उस वक्त सुशांत के जीजा ओपी सिंह भी उस कूपर हॉस्पिटल में थे और कूपर हॉस्पिटल में उन्होंने डॉक्टर्स के साथ जबरदस्ती की और उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती उन्होंने ये कहा कि आज के आज ही सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए ताकि हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की जीजा ने अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाया और रात की 11:30 बजे सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई वो लेकर वो वापस घर आ गए। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को भी देखा उस मॉर्चरी रूम में जाकर जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी रखी गई थी। सुशांत की बॉडी को सुशांत के जीजा ने देखा और डॉक्टर से ज़बरदस्ती सुशांत का पोस्टमार्टम करवाया। यहाँ तक कि सुशांत के जीजा ने अपने पोस्ट का फ़ायदा तो उठाया लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया या ध्यान देकर भी उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। वो खबर ये है कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सुशांत के जीजा ओपी सिंह के पास मिली तो सुशांत के जीजा ने उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया कि इसमें ना तो सुशांत के हादसे की टाइमिंग मेंशन है और ना ही सुशांत की बॉडी में जो चेंजेस हादसे के वक्त या हादसे के बाद आए उसका कोई खुलासा है। तो ये है पूरी सच्चाई सुशांत की जीजा ओपी सिंह को लेकर। नेक्स्ट 9 लाइव सरोजनी की रिपोर्ट।